गाइज, मैं हूं सौरभ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सहायता पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 2023 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंदर कुछ जो नियम है जिसे बदले गए हैं उसी के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो नियम बदले गए हैं इसके बाद अब लाभार्थियों को और भी जल्दी PM आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल सकेगा। और दोस्तों, उसके बाद जो राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं वो पैसे भी अब पहले से जल्दी लाभार्थियों के खाते में रिसीव हो जाएंगी। दोस्तों, लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके साथ दोस्तों सारी डिटेल शेयर करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक डिटेल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके और आप जानकार रहे। तो चलिए साथियों, वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियोज हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। पहले तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे बड़ी जो बदलाव हुई है उसमें बताया गया है कि अब जो लाभार्थी PM आवास योजना ग्रामीण शहरी के लिए आवेदन करेंगे ऐसे लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर PM आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल पर किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले जितने भी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन होता था, सबसे पहले तो ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाते थे, फिर ऑफलाइन आवेदन से लेकर ऑनलाइन आवेदन किए जाते थे और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थियों का डिटेल जो है PM आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर ऐड की जाती थी। लेकिन दोस्तों, जो नए नियम है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि लाभार्थियों को जो वेरिफिकेशन है दोस्तों वो अब ऑन द स्पॉट जहां पर रजिस्ट्रेशन होगी वहां पर की जाएगी। और जैसे ही लाभार्थी वेरीफाइड हो जाती है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट PM आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर की जाएगी। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट PM आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर 20 दिनों के अंदर हो जाएगा। ये था पहला बड़ा बदलाव जिसमें भारत सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव करते हुए लाभार्थियों की वेरिफिकेशन करने की प्रोसेस में जो समय है उसे घटाते हुए लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दूसरी जो बड़ी अपडेट है उसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक मैं लाइव यहाँ पर डिटेल दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक लाभार्थी है जिनका जो ऑर्डर सीट है वो 7/2/2023 को यहाँ पर जनरेट हुई थी और दोस्तों जो पेमेंट डेट है दोस्तों आप देख सकते हैं 9/2/2023 को, यानी कि दोस्तों 2 दिन के अंदर लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो गए हैं। तो इससे पहले क्या होता था दोस्तों, लाभार्थियों का जब भी ऑर्डर सीट जनरेट की जाती थी, APTO बनाया जाता था, उसके लगभग 5 से 6 दिन के बाद लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर होते थे। लेकिन दोस्तों, जो नियमों में बदलाव हुए हैं उसके आधार पर जब जो अभी 2023 के अंतर्गत PM आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं इसमें लाभार्थियों को 1 से 2 दिन के अंदर लाभार्थियों के खाते में जो पैसे हैं वो रिसीव हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव जो PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो नियमों में बदलाव किए गए हैं। साथियों, अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि इस प्रकार के भारत सरकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।